हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी के इस्तीफे का ऐलान, कंजर्वेटिव सियासी रहनुमा मुतहरिक हो गए। जॉन टॉरी ने अपनी एक स्टाफ के साथ ताल्लुकात का एतराफ करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया था। अमेरिका ने कनाडा के फिजाई हदूद में दाखिल होने वाली नाकाबिले शनाख्त शय को मार गिराया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अपने शहरियों की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। नामालूम ऑब्जेक्ट कैनेडियन शहरियों और सिविल एविएशन के लिए खतरा था। वीजा सिस्टम पर तरीक़ाकार को नरम करने के लिए जोर दे रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हम आर्जी वीजों के बारे में भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंटी इमिग्रेशन पार्टी को कनाडा में कामयाब होने में मुश्किल पेश आएगी। अमेरिका ने एक साल में 10 से ज़ायद बार हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिका ने हमारी कौमी सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की। हमारा रद्द अमल जिम्मेदाराना और पेशावराना था। तुर्की और शाम में जलजले से जाबहक अफराद की तादाद 34,000 से मुतजावज। दो खवातीन और एक शीरखवार बच्चे को अलग अलग मकामात से मलबे से जिंदा निकाला गया। जलजला मुतासरा इलाकों में तमाम शामी फरीक इमदाद पहुंचाने दें, अमरीका का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो में जॉन टॉरी मेयर के अहदे से इस्तीफे के ऐलान के बाद कंजर्वेटिव सियासी मुंतजमीन की जानिब से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में जॉन टॉरी मेयर के अहदे से इस्तीफे के ऐलान के बाद कंजर्वेटिव सियासी मुंतजमीन की जानिब से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑनटेरियो पीसीज और फेडरल कंजर्वेटिव दोनों से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर सियासी मुंतजिम ने कहा है, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मरकज से सिर्फ एक काबिल एतबार उम्मीदवार को सामने लाएं। मुंतजिम ने कहा कि कदामत पसंदों के दरमियान तशवीश यह है कि बाएं बाजू का उम्मीदवार मेयर बन सकता है अगर दाएं बाजू के मुतादित उम्मीदवार वोट तकसीम करते हैं। अगरचा मेयर के उम्मीदवार किसी सियासी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं चलते हैं, लेकिन ज्यादातर हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के सूबाई या वफाकी जमातों से रवाबित होते हैं या इंतखाबी मुहिम के मुंतजमीन पर इन्हिसार करते हैं जिन्होंने पार्टी के बैक रूम में काम किया है। वाज़े रहे कि टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने ऐलान किया कि वो एक साबिक अमले के साथ ताल्लुकात का एतराफ करने के बाद अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। जॉन टॉरी ने हाल ही में टोरंटो के मेयर की हैसियत से तीसरी मुद्दत का आगाज किया था। जॉन टॉरी ने सिटी हॉल में एक मुख्तसर बयान के दौरान कहा कि वबाई मर्ज के दौरान मैंने अपने दफ्तर में एक मुलाजिम के साथ इस तरह से रिश्ता सवार किया जो इन मयारात पर पूरा नहीं उतरता जिस पर मैं खुद को मेयर और एक खानदानी आदमी के तौर पर रखता हूं। टोरी ने कहा कि ताल्लुकात इस साल के शुरू में बाहमी रजामंदी से खत्म हुए। कनाडा और अमेरिका ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक नाकाबिले शनाख्त शय को अलास्का की सरहद के करीब योकोन के इलाके में मार गिराया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि टीमें हफ्ते के रोज योकोन के ऊपर मारी गई एक चीज को तलाश और तजिया करने के लिए काम कर रही हैं, जबकि इतवार को एक और नामालूम चीज को अमरीकी फौज ने हॉरन झील पर तबाह कर दिया था। इससे कबल कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने कैनेडा की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाली एक नामालूम चीज को मार गिराने का हुक्म दिया, जिसके बाद
अमरीकी और कैनेडियन तैयारों ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करते हुए यौकॉन के ऊपर उड़ती शय को मार गिराया। ट्रूडो का पाने बयान में कहना था कि कैनेडियनों की हिफाजत हमारी नंबर वन तरजीह है, इसलिए मैंने एतराज को गोली मारने का फैसला किया। ये सिविल एविएशन के लिए खतरा और कैनेडियंस के लिए एक मुमकिन खतरा था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत को सबसे पहले जुमे की रात को इस ऑब्जेक्ट के बारे में आगाह किया गया था जब वो अलास्का से सफर कर रही थी। ट्रूडो ने हुक्म दिया कि जो भी मुल्क इसके करीब पहले पहुंचे इसे मार गिराए, जिस अमरीकी F-22 तैयारे ने मार गिराया। ट्रूडो ने इतवार के रोज ऑब्जेक्ट की नौइयत के बारे में कोई इजाफी तफसीलात शेयर नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि टीमें जमीन पर हैं, इस चीज को तलाश करने और उसका तजिया करने के लिए काम कर रही हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना था कि ये शय इस माह के शुरू में जनूबी कैरोलिना में तबाह होने वाले से मुमकिन तौर पर मिलती जुलती थी, हालांकि यकीनी तौर पर कहना कबल अज वक्त है। वाज़ह रहे कि अमरीका ने एक हफ्ते के दौरान चौथी बार नाकाबिले शनाख्त ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। कुछ दिन कबल अमरीका ने अपने फिजाई हदूद में एक मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बाद अमरीका और चीन में सिफारती तनाव बढ़ गया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दे रहे हैं कि वो वीजे की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए अपने तरीक़ाकार को आसान करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दे रहे हैं कि वो वीजा की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए अपने नुक्ता नजर को नरम करें और जायरीन के उनके कली मुद्दती वीजों से ज्यादा कयाम करने के खतरे पर कम तवज्जो दें। ट्रूडो ने कहा कि हम आरजी वीजों के बारे में भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इमिग्रेशन हुक्काम को वीजा देने के लिए कायल करना आसान है अगर उनके पास अच्छी नौकरी, घर घर और घर में अच्छी हैसियत है। दूसरी तरफ वो लोग जो खानदानी वजूहात के बिना पर कनाडा में रहने के लिए पुरजोर हौसला अफजाई करते हैं, हुक्काम उसे ज्यादा कयाम के इम्कान के तौर पर देख सकते हैं। एक बैनुल अक्वामी तालबे इल्म ने बताया कि वो 7 माह से अस्पताल में दाखिल थे और खुद को अलग थलग महसूस करते थे। उसने वजीर आजम को बताया कि उसकी वालदा ने उनसे मिलने के लिए 2 मरतबा वीजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। ट्रूडो ने जवाब दिया कि कैनेडियंस के लिए अपने इमिग्रेशन सिस्टम की दयानतदारी पर यकीन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसने ये भी तजवीज़ किया कि उसने इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा से कहा था कि वो वीजा जारी करते वक्त कम दिफाई अंदाज इख्तियार करें। ट्रूडो ने कहा कि हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर इमिग्रेशन को देखने के अंदाज को तब्दील करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों को अंदर ला रहे हैं। ट्रूडो ने मजीद कहा कि वफाकी इमिग्रेशन सिस्टम को कनाडा की तरफ से लेबर खला को पूर करने की जरूरत और बैरून मुल्क मुतादिद बहरानों की वजह से चैलेंज किया गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। एक एंटी इमिग्रेशन पार्टी को कनाडा में कामयाब होने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि बहुत से कैनेडियन समझते हैं कि ये कितना अहम है। ट्रूडो ने कहा, हमें इस हकीकत की हिफाजत करने की जरूरत है कि कैनेडियन इमिग्रेशन के हामी हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान 10 से ज़ायद गुब्बारे भेज कर उनकी कौमी सलामती को खतरे में डाला। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान 10 से ज्यादा गुब्बारे भेज कर उनकी कौमी सलामती को खतरे में डाला। ख्याल रहे कि चीन का ये दावा उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने 4 फरवरी को जनूबी कैरोलिना के साहिल पर एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार के आया और कल और आज कैनेडा की फिजाओं में परवाज करने वाले 2 मशकूक शय को भी निशाना बनाया गया। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान वांग विनवेन ने बीजिंग में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि ये पूछे जाने पर कि चीन ने अपनी फिजाई हदूद में इस तरह की दरअंदाजी का क्या जवाब दिया, तो तर्जुमान ने जवाब दिया कि हमारा रद्द अमल जिम्मेदाराना और पेशावराना था। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने गुब्बारों से मुतालिक मजीद वजाहत नहीं दी कि ये किस नौयत के थे और किन मकासद के लिए भेजे गए थे और क्या चीन ने सिफारती सतह पर इस पर आवाज उठाई थी। तहाल अमरीका की जानिब से चीन के इस इल्जाम पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अभी ये वाजे नहीं कि कनाडा की फिजाओं में परवास करने वाली ये मशकूक शय क्या थी, ताहम अमरीका और कनाडा ने इस मशकूक शय का इल्जाम भी चीन पर आयद किया है। कनाडा पर उड़ने वाली मशकूक शय को भी अमरीकी तैयारों ने मार गिराया था। इस तरह एक हफ्ते के दौरान अमरीका ने 2 गुब्बारों और 2 मशकूक शय को फिजा में तबाह किया है। कनाडा में तबाह की जाने वाली मशकूक शय के मलबे से उसकी नौयत का जायजा लिया जा रहा है, ताहम अभी तायुन नहीं हो सका है। याद रहे कि 4 फरवरी को अमरीकी तैयारों ने जिस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, उस पर चीन ने मौकफ दिया था कि ये एक निजी कंपनी की मिल्कियत था जो मौसमियाती तब्दीलियों पर तहकीक के लिए परवास कर रहा था।
लेकिन दूसरी तरफ चीन ने गुब्बारे को मार गिराने को अपनी कौमी सलामती पर हमला भी करार दिया था। तुर्की और शाम में आने वाले जलजले को एक हफ्ता गुजर गया है, इसके बावजूद रेस्क्यू इदारे के अहलकारों को मलबे तले दबे अफराद मौजज़ाना तौर पर जिंदा हालत में मिल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की और शाम में आने वाले जलजले को एक हफ्ता गुजर गया है, इसके बावजूद रेस्क्यू इदारे के अहलकारों को मलबे तले दबे अफराद मौजज़ाना तौर पर जिंदा हालत में मिल रहे हैं। तुर्की और शुमाल मगरबी शाम में आने वाले जलजले से अमवात की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई है। तबाह हाल इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला तहाल जारी है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक तुर्किया में हलाकतों की तादाद 29,605 हो गई है, जबकि शाम में 5,237 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तुर्किया में 140 घंटे बाद 7 माह के बच्चे, 136 घंटे बाद 13 साल की लड़की और एक इमारत के मलबे से 70 साल की तुर्क खातून को निकाल लिया गया है और एक हफ्ते से रेस्क्यू का काम बिला तातुल जारी है। दूसरी जानिब तुर्किया पुलिस ने इमारतों की नाकिस तामीरात में मुलविस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए ठेकेदारों समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों की भी तवक्को है। मुसलसल और अनथक मेहनत के बावजूद अब तक जो शह रेस्क्यू अहलकारों के हौसलों को पस्त होने नहीं दे रही है वो मलबे से मौजज़ाना तौर पर जिंदा मिलने वाले नौ मौलूदों की मुस्कुराहट है। आज भी मलबे से दो खवातीन और एक शीरख्वार बच्चे को अलग अलग मकामात से जिंदा निकाला गया। इमदादी रजाकार जैसे ही मायूस कुन हालात में जिंदगी की कोई रिम्क पाते हैं उनके जज्बात तवाना हो जाते हैं और वो नई कुव्वत से अपने काम में मगन हो जाते हैं। ताहाल दर्जनों नौ मौलूद और शीरख्वार बच्चों को जिंदा हालत में निकाला गया है। आज जिंदा निकाली जाने वाली एक खातून की उम्र 68 साल है। इलावा अजी तुर्की और आर्मेनिया के दरमियान सरहदी गुजरगाह 35 सालों में पहली बार दोबारा खोल दी गई है ताकि इमदाद की आमदोरफ्त आसान बनाई जा सके। कबल अजी अक्वामे मुतहदा का कहना था कि शाम में जलजले के बाद 5.3 मिलियन तक लोग बेघर हो सकते हैं, जबकि तुर्की और शाम में तकरीबन 9 लाख अफराद को फौरी तौर पर गर्म खुराक की जरूरत है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।